हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कैसे आप सब? सो वी आर लाइव वन मोर टाइम ऑन स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ फॉर द क्वारंटाइन टेल सीरीज। एंड आज काफी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 8 बज चुके हैं। सो श्वेता सिन्हा इज गोइंग टू जॉइन अस लाइव एंड आई एम वेटिंग फॉर हर। लेट्स सी। हाय कार्तिक, हाय खुशी, हाय हिमांशु राघव जियाल, वाह बढ़िया है। और हेलो एवरीवन, एंड सून वी विल बी जॉइंड बाय श्वेता सिन्हा, वन ऑफ द वेरी रेनॉर्ड आर्टिस्ट फ्रॉम ससुराल सिमर का। सो लेट्स सी। ओके, हेलो मैम। हाय विशाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद इनफैक्ट। नहीं मैम, अवार्ड शो में तो मिला था मैं आपको 2-3 बार। अरे हाँ, लेकिन ऐसे लाइव में कुछ और ही मजा आता है ना। राइट राइट मैम, वहां पे आके अगर हम करते तो और ज्यादा मजा होता। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अभी अभी आ रही है मैम? या बेटर? या सो हेलो एवरीवन। Yeah, so let me introduce her. So Shweta Sinha is live right now with us, and मैं वही कहूंगा, she's looking as pretty as always. चाहे lockdown हो या ना हो, मैं हमेशा ऐसे खिलखिलाते रहते हैं। Thank you so much. In fact, पता है विशाल, थोड़ा बहुत ready होते हैं ना हम लोग किसी भी चीज के लिए, तो liveliness बहुत बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। और अगर हम जैसे घर पे अलग ही कंफर्ट जोन में है तो बहुत डल सी लाइफ हो जाती है। तैयार होके बाहर जाने की आदत होती है हम लोगों को, और हम इतने दिनों से अगर घर पे तो बहुत लाइफ डल हो चुकी है, तो इसी बहाने थोड़ा सा रेडी होके सबके right. साथ बातें करने में बहुत मजा आता है। या बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भले आप ये मानते हो या नहीं मानते हो, बट हम मनीष भाई को, अविका हो गए, आप हो गए, वी कंसिडर यू एज अ फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ बिकॉज वी स्टार्टेड विद यू पीपल। थैंक यू सो मच विशाल, एंड सेम हियर। आप लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया एंड बहुत रिस्पेक्ट दिया, तो उसके लिए हम भी बहुत थैंकफुल है आपको। बट वी आर मोर थैंकफुल यू पीपल फॉर अस। आप लोग काफी लकी लगे हमें, दैट्स व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड एंड वी हैव कम डाउन टिल 2.5 इयर्स इन विद पीपल फ्रॉम डेल्ही। ग्रेट प्लेजर टू टॉकिंग टू यू। या सेम हियर मैम। सो आई विल स्टार्ट टेकिंग द ऑडियंस क्वेश्चंस। प्रजापति एंड ये पूछ रही है, हाउ आर यू श्वेता, एंड लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन बढ़िया चल रहा है, खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, घर के कामों के अलावा कुछ ना कुछ हॉबी वर्क चलते रहता है, इसी तरह से लाइफ बस काट रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज राहुल इज आस्किंग, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट एंड स्टनिंग, इनफैक्ट नरमिन इज सेइंग यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग, and what are your plans to come back on screen, any new digital series you will be working in? Abhi dekhte hain, lockdown khatam ho jane dijiye, uske baad mein kya offers aate hain, ya matlab whatever opportunities come your way, us pe depend karta hai ki aap apne future ko kis tarah se shape karte hain, because mere liye koi bhi kaam karna it's not like my cup of tea, main thodi choosy hu apne kaam ko lekar, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई विल सून कम ऑन स्क्रीन एंड इन अ वेरी गुड रोल, जो मुझे इनफैक्ट आई बिलीव इन डूइंग सच रोल्स जिसमें मैं खुद बिलीव करती हूँ, सो यू कांट सेट अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर द सोसाइटी, लाइक सो मुझे, मैं उसी चीज में बिलीव करती हूँ जो मतलब सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज हो, या एंटरटेनमेंट के तौर पर या किसी और चीज के तौर पर, सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ग्रेट ग्रेट। मिस्टर जैद है एंड ये बोल रहे मैम, एक बार प्लीज मुझे भी रिप्लाई कर दो। मुझे क्या रिप्लाई कर दो? मिस्टर जैद, हाय, हाउ आर यू? होप ऑल वेल विथ यू एंड योर फैमिली, एंड प्लीज स्टे इनडोर्स एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू। ओके, संकेत भालेराव है एंड ये पूछ रहे आप नासिक कब आएंगे, एंड एक बार इनका भी नाम ले लीजिए। ओके, हाय संकेत, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नाशिक मेरे एक इवेंट की बातें चल रही है, बट देन लेट्स सी कब ये सब खत्म होता है एंड व्हेन वी गेट बैक टू नॉर्मलसी, तो जैसे ही सब ठीक हो जाता है आई विल सून कम टू नाशिक
एंड होप टू सी यू सून. ओके रेसर नवीन वांट्स टू नो मैम आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? सी आई बिलोंग टू नागपुर जो महाराष्ट्र में ही है. इट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ इंडिया. सो इट्स अ वेरी लवली प्लेस और आई मिस माई होम टाउन. ग्रेट ग्रेट अभिषेक श्रीवास्तव है ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया आई थिंक ये हमारे रेगुलर व्यूअर है एंड ही इज आस्किंग वन थिंग यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ माई सेल्फ अबाउट माई सेल्फ आई लाइक द फैक्ट दैट आई स्माइल अलॉट आई थिंक. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज है जो हम सबसे सस्ती चीज है जो हम बांट सकते हैं लोगों में और जो सबसे ज्यादा प्रेशियस है. सो दैट इज वन थिंग आई लाइक. एंड वन थिंग आई डिसलाइक अबाउट माई सेल्फ इज कि क्या अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई डिसलाइक. हाँ कि मैं बहुत मतलब चूजी हूँ लोगों से फ्रेंडशिप करने के मामले में. मैं हर किसी के साथ आई कांट मिक्स अप वेल. मुझे बहुत जल्दी वाइब्स मिल जाती है लोगों की. सो आई कांट बी फ्रेंड एवरी वन. सो वेरी वेरी लिटिल पीपल आर देयर हु आर वेरी क्लोज टू माई लाइफ एंड दैट इज हाउ आई एम. ग्रेट ग्रेट सो टू मुझे नो ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये एक गुड क्वालिटी है. राइट बट मैं मुझे बोल नहीं लगता है कि मैं लोगों को देखती हूँ कि सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं बहुत इजीली. तो ओके मैं खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हूँ. मैम वो काफी अच्छा है अगर आप बहुत सोच समझ के दोस्ती करते सो दैट इज अ गुड क्वालिटी एक्चुअली इन टुडेज वर्ल्ड या बिकॉज यू नो ह्यूमन ह्यूमन नेचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. यू नेवर नो कि कौन कैसा है. तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ता है सबके साथ डील करने में. या दैट इज सो व्हाट लाइफ एक टीचेस यू. राइट राइट एक इंस्टा आईडी है हिमांशु राघव जुयाल करके एंड ये आपसे बोल रहे हैं कि आप राघव जुयाल के बारे में कुछ बोलेंगे राघव राघव जुयाल जो स्लो मोशन किंग है हमारे उनके लिए ओके कुछ ओके कर रहे हैं ओके. सो हाय राघव, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर व्हाट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग एंड दैट्स इट. डू वेल फॉर योर सेल्फ एंड कीप एंटरटेनिंग एवरीवन. So, रानिया कौर इज आस्किंग विच थिंग यू आर मिसिंग द मोस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन विच थिंग आई एम मिसिंग द मोस्ट. आई एम मिसिंग मीटिंग माई फ्रेंड्स. आई एम मिसिंग वर्क एंड आई एम मिसिंग फ्रीकिंग आउट गोइंग टू द मॉल गोइंग फॉर शॉपिंग ईटिंग स्ट्रीट फूड. दैट्स ऑल आई एम मिसिंग. ओके सो ऐसे मैम लड़कियों पे काफी मीम्स बन रहे हैं कि लड़कियों का ओनली थिंकिंग अबाउट शॉपिंग एंड रोमिंग अराउंड आईब्रोज कुछ ज्यादा ही हो रहा है. लेकिन ऐसे मैंने एक पिक्चर मैसेज देखा था जिसको हंस हंस के मैं तो पागल हो गई. जिसमें 1 month के बाद शायद लॉकडाउन पे वो कुछ तो भी मेम बना था. उसमें मीम बना था कि उसमें लड़कियों के बहुत बड़े आई बड़े आईब्रोज दाढ़ी मूछ सब बढ़ गई है. इट वाज सो फनी. बोले हाँ एग्जैक्टली या सो या स्ट्रीमर्स आर एंटरटेनिंग एनीवे सो या या डेफिनेटली. या हिमांशु कह रहे हैं श्वेता मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी व्हाट्स द रीजन थैंक यू ऑफ योर सो मच. ब्यूटी स्माइल. बट मैम कुछ तो ब्यूटी टिप्स दीजिए लड़कियों को जो हाँ लॉक अच्छी रह सके इवन लड़कों को भी है डेफिनेटली डेफिनेटली. मैं लड़कियों को ये ब्यूटी टिप देना चाहूंगी कि बहुत सारा मेकअप मत पोती है अपने चेहरे पे. बिकॉज आपके चेहरे की जो रियल ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है. एंड आपके मतलब आर्टिफिशियल लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल लुक ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट. एंड मुझे लगता है कि जो बॉयज होते हैं उनको कम मेकअप वाली लड़कियां ज्यादा पसंद होती है. ऐसे मुझे लगता है पता नहीं. बस अच्छी दिखनी चाहिए देखो या सो जितना के नेचुरल और जितना सिंपल. दे से दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग दैट राइट इज व्हाट आई आल्सो बिलीव. या दैट राइट इज माय ब्यूटी टिप कि कम से कम मेकअप कीजिए और एक मतलब खूबसूरती जो होती है वो अंदर से दिखनी चाहिए. दैट इज राइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर थिंग. नैतिक लांबा है एंड ये पूछ रहे विच इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड फेवरेट स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड. माय फेवरेट स्ट्रीट फूड इज पाव भाजी. आई एम मिसिंग इट अ लॉट बट देन आई नो हाउ टू मेक इट एट होम.
सो आई एम नॉट मिसिंग इन दैट मच. ओके यश जैन इज आस्किंग मैम, आपने कौन सी नई डिश ट्राई करी ड्यूरिंग लॉकडाउन? नई डिश ट्राई की घर पे. ऐसी कोई नई डिश तो नहीं है. मैंने बेसन के लड्डू ट्राई किए थे विच आई मेड फॉर द आए थे फर्स्ट जब टाइम. आपके पास, आई रिमेम्बर आपने ऑफर किए थे। हाँ सो आई ट्राइड दैट. काफी सारी डिशेज है मैं अपनी मम्मी से सीखती हूँ बिकॉज माई मॉम इज अ एक्सलेंट कुक. सो लॉट ऑफ रेसिपीज आई कीप लर्निंग फ्रॉम हर ऑल्सो इवन नाउ. सो अदर देन सीइंग ऑन यूट्यूब एंड अदर देन एल्सवेयर मैं मम्मी से भी पूछते रहती हूँ कि ये कैसे बनाते हो, वो कैसे बनाते हो, और ट्राई करते रहती हूँ. और भी फिलहाल तो बहुत टाइम है सबके पास, तो काफी सारी डिशेस बनती है घर पे और राइट वेट भी पुट ऑन हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. नो, नहीं लग रहा बिल्कुल भी, यू आर नहीं लग लुकिंग रहा सेम है, थैंक गॉड. एज बिफोर। सो फार सो गुड. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग मैम, राशन का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं? रॉडनी पूछ रहे हैं। राशन का जुगाड़ तो मतलब है हमारे कोई पहचान के, जो ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ी अभी तक, लेकिन हमारे पहचान के कोई है जिन्होंने घर पे लाके दिया था. बट देन वंस इट कम्स इन योर हाउस वो एक अलग टेंशन है, क्योंकि राइट उसे किस तरह से आपको सैनिटाइज करना है, उसको किस तरह से क्लीन करना है, एंड यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू क्लीन ईच एंड राइट एवरीथिंग, इवन द ब्रेड का पैकेट, इवन द मिल्क का पैकेट, इवन वॉट एवर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द हाउस, यू हैव टू सैनिटाइज देम और यू हैव टू क्लीन देम. जो भी आप धो सकते हो डेटॉल से वो आप धो लीजिए, जो भी आप सैनिटाइज कर सकते हो वो सैनिटाइज कर लीजिए. क्या करे, करना तो पड़ेगा ना, हमें सेफ राइट रहना है. रवि त्रिपाठी हैं एंड ये एक बार रिक्वेस्ट करें, प्लीज इनका नाम ले लीजिए। हाय रवि, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे हैं. प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सुनरेना इज आस्किंग डू यू मिस ससुराल सिमर का कास्ट एंड वर्किंग? आई रियली मिस अ लॉट एंड अभी कुछ दिनों पहले ही जैती जी ने पोस्ट डाला था, मेरे साथ एक पिक डाली थी, उसे देख के तो रोना आ गया बिकॉज दैट वाज द पिक्चर ऑफ द लास्ट डे ऑफ शूट, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस, हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे. सो 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला. राइट एंड एक एक्चुअली रियल फैमिली बन जाती है. रोज आप काम करते हो, आप अपने एक्चुअली घर वालों से ज्यादा समय आप सेट पे बिताते हो और वो लोग आपकी फैमिली बन जाते हैं. और इतने लंबे समय तक जब आप काम करते हो किसी के साथ, इट डज मैटर अ लॉट. एंड वो आपके लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है. राइट सो राइट आई इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एंड मेमोरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ, ससुराल सिमर का. यस राइट ग्रेट ग्रेट सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, रवि सिंह। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल. हाय, थैंक यू सो मच. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू स्टिल इन टच विद मनीष एंड अविका? आई एम इन टच विथ मनीष एंड अविका. यस, हाई हेलो होते रहती है. एंड मनीष के साथ मैं मिली भी हूँ 2-3 बार रिगार्डिंग सम वर्क. सो ही इज अ प्रैंकस्टर एज एवर. तो है, मैं टच में हूँ और काफी और भी लोगों के साथ मैं टच में हूँ. जैती जी के साथ टच में हूँ, स्नेहल के साथ टच में हूँ, और वी टॉक एंड वी मिस ऑल दोज डेज. हिमांशु बोल रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन जिसको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं शूट, जो जिनके साथ आप शूट करते थे हमेशा? बहुत ज्यादा मिस करती हूँ. इन व्हाट सेंस? लाइक स्क्रीन पे शूट करते वक्त मिस करना अलग होता है, रियल लाइफ में शूट करना अलग होता है. सो या आई मिस माय होल फैमिली. एक्चुअली हम लोग जो मजे करते थे सेट पे, स्पेशली एट द इवनिंग टाइम, हम लोगों का जो टेबल होता था उसको नाम था बाप का माल टेबल. एंड वी यूज्ड टू हैव टी एंड लॉट ऑफ स्नैक्स एंड लॉट ऑफ गपशप और थोड़ी सी गॉसिपिंग भी. बहुत मजा आता था. सो आई रियली मिस ईच एंड एवरी वन ऑफ ससुराल सिमर का. एंड आई मिस माई सीन्स विद सुमेर, स्पेशली विद सुमेर, क्योंकि उसको मैं सीन में बहुत मारती थी. बहुत जालिम बीवी थी तो मैं बहुत मारती थी सुमेर को, तो तकिए से मारती थी, डंडे से मारती थी, हर चीज से जो हाथ में आ जाता था उससे मारती थी. आई मिस दोज सीन्स रियली. सो दैट इज सुखी वॉट सर तो आप खुद
वो बन के घूम रहे हैं क्या एकदम। सुमीर सर तो अभी खुद बीवी बन के घूम रहे हैं मम्मी वो। आंटी, या वो तो मतलब ही इज अनदर एंटरटेनिंग कैरेक्टर। वो ऑफ स्क्रीन हमें वैसे भी वो पम्मी आंटी ही है, वो वैसे ही हमें एंटरटेन करते ही रहता था जब वो पम्मी नहीं था तभी भी। सो इट रियली सूट्स हिम एंड आई आल्सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग, अ वेरी गुड वर्क। या वी ऑल एंजॉय वॉचिंग हिज एक्ट्स ऑन या सोशल मीडिया। नैतिक इज आस्किंग, मैम डू यू प्ले पबजी, प्लीज शेयर योर पबजी आईडी विद अस। आई डोंट प्ले बट माय डॉटर प्लेज। यू कैन, या सो शी प्लेज पबजी, माय चिल्ड्रन प्ले पबजी अ लॉट। आई डोंट लाइक इट, इट्स वेरी एडिक्टिव। और आप एक बार वहाँ मतलब वो खेलते रहो तो वही खेलते रहो दिन रात, एंड आई थिंक देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। ऑफिशियल सैनी है एंड ये आपसे पूछ रहे, डू यू प्ले ऑनलाइन गेम्स लाइक लूडो ड्यूरिंग लॉकडाउन? नो अगेन आई डोंट प्ले ऑनलाइन गेम्स, माई चिल्ड्रन डू प्ले, सो लूडो वूडो सब लूडो, खेलते। नो एक्चुअली आई डू माई पेंटिंग एंड स्टफ, तो मुझे आई प्रिफर डूइंग दैट बिकॉज ओवर सो मेनी ओवर द ईयर्स आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन द पेंटिंग पार्ट, बिकॉज बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, और जब वेर आई वॉज नॉट एन एक्टर ऑल्सो आई यूज टू पेंट अ लॉट, एंड नॉट ओनली पेंटिंग आई यूज टू मेक आइडल्स। ओके। सो देर वॉज वन दीदी इन माई कॉलोनी जिनसे मैंने डॉल मेकिंग सीखा था आउट ऑफ पेपर मैश एंड आउट ऑफ क्ले। सो वो मैंने डेवलप करके आई स्टार्टेड मेकिंग आइडल्स ऑफ गॉड। सो आई मेड अ कपल ऑफ आइडल्स, लाइक साई बाबा की मूर्ति बनाई है मैंने, गणपति बापा की बनाई है, राधे कृष्ण की बनाई है। सो आई रियलाइज दैट आई रियली मिस ऑल दीज थिंग्स, एंड सीरियल में काम करते करते यू रियली डोंट गेट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अब मेरे पास इतना टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब करूँ। तो वन बाय वन आई एम डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग, एंड अभी फिलहाल मैंने एक ऑयल पेंटिंग शुरू की है। आई विल नॉट टेल यू कि मैं क्या पेंट कर रही हूँ, वो जब रेडी हो जाएगा मैं आप सबको दिखाऊंगी। फॉर दैट यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई आईडी। सो गाइज डू फॉलो मी टू सी माई आर्ट वर्क एंड सी ऑल माई पेंटिंग्स, एंड माई आईडी इज सिंपली अंडरस्कोर श्वेता। सो प्लीज डू फॉलो मी। या सो यू कैन फॉलो एंड वी विल बी वेटिंग, मे बी वो थ्रू पे। या श्योर, एंड आई ऑल्सो पुट माई स्टोरीज ऑल्सो, जब मैं कुछ कुकिंग करती हूँ तो मैं अच्छी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालते रहती हूँ, सो इट्स फन। या सो वन कमेंट इज कमिंग इन फ्रॉम एंकर किटू एंड शी इज सेइंग, श्वेता व्हाट स्पेशल गोइंग ऑन एंड यू आर लुकिंग वेरी लवली। थैंक यू सो मच। स्पेशल वही जो मैंने अभी बोला, माई पेंटिंग इज गोइंग ऑन विच गिव्स मी लॉट ऑफ पीस एंड लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है जब मैं पेंट करती हूँ। तो आपकी भी कोई हॉबी होगी पेंटिंग या कुकिंग या घर घर में बैठ के जो भी मतलब आपकी हॉबी होगी आप जरूर उसे कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। आई तो रवि, डू समथिंग प्रोडक्टिव लाइक ऑनलाइन गेम्स, ओके ठीक है, वॉचिंग ऑनलाइन मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स एमेजोन दैट इज ऑल्सो ओके, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ तो भी ऐसा थोड़ा सा समय निकाल के क्रिएटिव कीजिए जिससे आप खुद में जो एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर सको। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। डेवलप योर सेल्फ एज अ ह्यूमन राइट, बींग। दिस इज द टाइम वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, अदरवाइज तो। रवि कह रहे हैं कि मेरी मॉम आपके सीरियल के लिए मुझसे बहुत झगड़ा करती है, वो रिमोट नहीं देती है। ओके ओके, सो क्या मैं आपकी मॉम को बोलूं कि आप रिमोट दे दीजिए, मत देखिए मेरी सीरियल, मैं ऐसे तो कभी नहीं बोलूंगी। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप भी देखिए, अगर मतलब अभी फिलहाल तो मेरी कोई सीरियल ऑन एयर नहीं है, बट एज सून एज इट कम्स आई आई वुड वॉन्ट दैट यू ऑल शुड सी इट। या पीपल आर रिक्वेस्टिंग मैम, कैन यू प्लीज शो सम ऑफ योर क्रिएटिव्स एंड पेंटिंग्स? ओके ओके आई जस्ट मैनेज। ओके या सो हाँ ओके, सो आई हैव या आस्क्ड माय डॉटर टू गेट इट। यू कैन गेट हर आल्सो इन द फ्रेम इफ इफ यू डोंट माइंड। शी आई डोंट नो वेदर शी विल कम ऑर नॉट, इफ शी शी इज इज नॉट कैमरा कॉन्शियस और इफ शी डजेंट माइंड, यू कैन आस्क हर टू जॉइन अस। ओके 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 या सो शाहिद खान है एंड ये बोल रहे हैं, मैम आपको रमजान मुबारक। आपको भी थैंक
थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। है, ये कह रही है मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, एक बार प्लीज प्रियांशी बोल दीजिए। हाय प्रियांशी, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली। ज्योत्सना है, ज्योत्सना, एंड ये कह रही है हाय श्वेता हाउ आर यू माय स्वीट हार्ट। शोकेस मनी, हाय योत्सना, आई एम डूइंग वेरी गुड, आई होप यू ऑल्सो डूइंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। टीम टीम राघव ज्वाल है, अतिशेक है, इनके एडमिन है, ये हमारे रेगुलर व्यूवर है। सो ये कह रहे मैम विशाल के बारे में कुछ बताइए। विशाल के बारे में मैं जितना भी बोलू कम ही है। अरे विशाल बाप इज अ रे, फैबुलस ह्यूमन बीइंग, एंड वो होता है ना, आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको एक वाइब मिलती है, जैसे मैंने बोला मुझे वाइब्स मिल जाती है। सो विशाल से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पीपल अच्छे लगते हैं। सो अरे अगेन इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, रणवीर सिंह की बहुत ही अच्छी कॉपी कर लेते हैं। ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सो आई विश हिम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज मीन्स फ्यूचर अलॉट, लाइफ। इतनी मेरी माँ ने तारीफ नहीं करी आज तक, ये मैं वीडियो कॉल करके कॉम्प्लीमेंट करूंगा आज। सो माई वर्क इज हियर, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। दिस इज वन पेंटिंग, थोड़ा सा ऊपर मैम, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, या परफेक्ट। सो सो दिस इज अ पेंटिंग विच आई मेड आउट ऑफ न्यूज पेपर, न्यूज़पेपर, एंड ग्रेट। दिस इज न्यूज पेपर, दिस एवरीथिंग इज न्यूज पेपर, और ये जो है कार्डबोर्ड, ये अपना जो गिफ्ट बॉक्स आता है उसका बेस है ऐसे। सो आई टुक दिस आउट ऑफ द दैट गिफ्ट बॉक्स, एंड उस पर मैंने न्यूज पेपर के कटिंग्स करके ये मैंने ये चीज बनाई है, एंड इसको न्यूज पेपर क्राफ्ट कहते हैं। और इसका मैंने वीडियो भी डाला है मेरे इंस्टा आईडी पे, आप IGTV देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस उसमें दिखाया है। ग्रेट, सो दिस इज वन, एंड ये पेंट किए मैंने गणपति बापा मोरिया। सुपर, सो दिस आई हैव नॉट मेड इट, ओके, दिस आइडल वॉज रेडी मेड एंड आई हैव जस्ट पेंटेड इट। सो मैंने श्री गणेश इन्हीं से किया मेरे आर्ट वर्क का क्वारंटाइन पीरियड में। सो दिस इज माई फर्स्ट क्रिएटिविटी, एंड ग्रेट। अभी अभी जो हाल फिलहाल में मैंने जो बनाया है वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये ग्रेट। मैंने पूरा मैं ये मैंने बनाया है पूरा हाथ से। तो मैम इवन आई नेक्स्ट नेक्स्ट आर्ट एग्जीबिशन कब आ रहा है आपका? ये भी मैंने ये जो देख रहे हैं ना आप विशाल, दिस इज राइट, म्यूरल, ये मैंने एक एक चीज अपने हाथ से बनाई है। वंडरफुल। ही ये डिडंट बहुत यू बारीक काम है, इसमें एक्टिंग टाइम लग गया मुझे। टैलेंटेड अदर देन या एक्टिंग। सो दैट्स व्हाट आई सेड, आई वाज क्रेविंग फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन सो मेनी डेज, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लव। एक्टिंग तो मैंने बाद में सीखी है। ग्रेट, सो सो ये है, ओके वी होप एंड वी विश मैम यू बहुत ही जल्द आपका कोई एग्जीबिशन हो या कुछ तो हो। जितनी मेहनत है वो सब लोगों ने, एग्जीबिशन एग्जीबिशन के लिए तो काफी कलेक्शन चाहिए अभी, पता नहीं इतना लंबा पीरियड अगर क्वारंटीन का हो जाएगा तो हो सकता है मेरा बहुत कलेक्शन बढ़ जाएगा। बट आई एम डूइंग अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, यू सी व्हाट एवर आई नो, लाइक एक मैंने खाली पेंटिंग की, एक्रेलिक पेंटिंग की, एक मैंने म्यूरल बना के उसको पेंटिंग किया, एक मैंने क्विक आर्ट किया न्यूज़पेपर वाला, एक अभी भी जो मैं कर रही हूँ वो ऑयल पेंटिंग। सो ओके। दैट अगेन इज टोटली डिफरेंट, इट टेक्स टाइम, बिकॉज वो जो ऑयल पेंटिंग होता है वो लेयर्स में होता है, जब तक आपका पहला लेयर सूख नहीं जाता आप दूसरा लेयर नहीं उसमें कर सकते हो। सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। लाइक बट मैम कुछ ना यू आर कुछ एन एक्सपर्ट, आपको देख के लाइक मैं मजनू भाई फील कर रहा हूँ खुद को, मजनू भाई की पेंटिंग थैंक आपको याद होगी। यू। आई नो यार, फैबुलस, हम वैसे पेंटर थे बट यू आर रियली ग्रेट मैम, बहुत अच्छे थैंक यू लगे। सो मच। आई जस्ट ट्राई कि मैं अपना जो ये समय है उसको मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकूं, तो राइट मैम, ग्रेट। कुछ ना कुछ करते रहती हूँ मैं। आई डोंट लाइक टू सिट आइडल बिकॉज दैट फ्रस्ट्रेट्स मी अ लॉट, मैम कुछ ना इसलिए मैं कुछ लाइव कर रहा हूँ, करता मैं भी खाली, है। मैं सोचा सबको पकड़ो एंड सबसे बातें वेरी निकालो। गुड, ग्रेट
चल रहा है? नो इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड कम से कम हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ चार दीवारी में बंद सिर्फ एक दूसरे से बात करते रहो. या सो भूमिका इज द नेम ऑफ योर डॉटर? या माय डॉटर्स नेम इज भूमिका. शी इज शी वाचिंग उसने फ्रॉम कुछ देयर मैसेज कमेंट. किया है क्या? व्हाई क्या डोंट किया? जॉइन अस भूमिका, इफ यू आर वाचिंग मैं प्लीज कम इन ट्रोल द कर रहा फ्रेम. था बिल्कुल. ओके She's नैतिक, coming. She's coming. ओ या सो नैतिक इज आस्किंग योर फेवरेट मूवी फ्रॉम रीसेंट टाइम्स. From recent times, my favorite movie, अंधाधुन. I loved अंधाधुन. And अभी मैंने कुछ सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स पर. स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है मैंने. फिर आई कंप्लीटेड 13 Reasons Why एंड लुसिफर मॉर्निंग स्टार. तो ये सारी सीरीज मेरी फेवरेट है. फिर मुझे थोड़ी सी ऐसे थ्रिलर टाइप की मूवीज अच्छी लगती है. लाइक देयर्स एंड आई लाइक शार्क मूवीज आल्सो. सो देयर इज वन ओके मूवी 47 Meters Down, वो मेरी अच्छी है. शार्क मूवी, जॉज एंड सम हॉरर फ्लिक्स. आई एंजॉय ऑल दीज मूवीज. मंगला प्रियु इज आस्किंग योर फेवरेट सॉन्ग व्हिच यू आर लिसनिंग ड्यूरिंग क्वारंटीन. ऐसे कोई एक गाना नहीं है. आई लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स ऑल्सो. ओके और ऐसा हिंदी भी कुछ अच्छे गाने. मूड पे डिपेंड करता है कि क्या सुनने का मन करता है. सो व्हेन आई डू माय हाउस वर्क मैं थोड़े इंग्लिश गाने सुनती हूँ. कभी मेरा मूड करता है तो मैं थोड़ा डिवोशनल स्पिरिचुअल सॉन्ग्स सुनती हूँ भगवान ओके के. और कभी मूड है तो मैं स्लो सॉन्ग्स सुनती हूँ. इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील लाइक. ग्रेट. राधिका राजपूत है एंड शी इज सेइंग हाय श्वेता डियर हाउ आर यू. हाय राधिका राधिका, शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड. या आई दैट्स आस्क्ड यू व्हाट टू जॉइन. या एक्चुअली या आई कांट सी द चैट, सो यू आर टेलिंग मी तो मुझे पता चल रहा है. आई कांट सी देम. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन. सो पीपल आर कमेंटिंग इन, मैम आपकी पेंटिंग बहुत 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 प्रिटी है, लाइक यू. थैंक यू सो मच. बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं दिन बर दिन उसको और इम्प्रूव करती रहूँ. बिकॉज थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट एज वेल एज लाइक यू यूज टू डू इट बिफोर. तो स्पेशली ऑयल पेंटिंग. आई एम डूइंग एन ऑयल पेंटिंग आफ्टर आई थिंक 15 or 20 years. या 15 साल के बाद मैं आज ऑयल पेंटिंग मैंने कल से शुरू की है. तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं. बट ओके प्रिटी वेल. इट्स टर्निंग आउट टू बी प्रिटी वेल. ग्रेट. सो योर फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड, नैतिक इज आस्किंग. अक्षय कुमार या फेवरेट. एक पीछे एक कोई आ रहा है अपने साथ. जी देखो भूमिका, आपने भूमिका. या या वेरी शीज शी मेकिंग दोस, दो हम स्कूल में करते थे ना एक दूसरे के ऊपर बैठे थे. शी इज वेरी नॉटी. ओके नहीं मैम होना चाहिए. ये ना शी इज नॉट कमिंग इन द फ्रेम एक्चुअली. शी विल कम स्लोली स्लोली. चलो वो बोल रहा है बिल्ट ये छोटी सी स्क्रीन में मैं नहीं आना चाहती, मेरे को चाहिए एकदम बड़ी बड़ा पर्दा चाहिए आने एक्चुअली के. स्क्रीन भी बहुत छोटी है ना. हाँ दोनों फिर कैसे होंगे वो थिएटर वाले बड़े पर्दे पे आएंगे सीधा. ये ना. आई वांट सगेना. अरे सगेना संग हाय फॉलो कर भूमिका, पढ़ाई चल रही है कि मजे चल रहे बिल्कुल. हैं? पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल. पढ़ाई तो भूल जाओ. कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है. नेटफ्लिक्स एंड चिल. यस ओनली चिलिंग एट होम दैट्स इट. ग्रेट ग्रेट. आप रामायण देखते हैं? करिश इज आस्किंग. यस आई टोल्ड हर शी इज नॉट नॉट रेडी टू सी. मैंने बचपन में अरुण गोविल जी का और दीपिका जी का रामायण पूरा देखा. हम लोगों ने बचपन से हम देखते हुए यस बड़े हुए. सो आई हैव ग्रेट. ऑलरेडी सीन रामायण. बट नेटफ्लिक्स वन इज डिफरेंट. या इज इट? नहीं, हर पुराना कुमार निकलूंगा. पीपल आर आई एम लाइकिंग गिविंग हर स्पेस एंड शी इज नॉट कमिंग. माय फ्रेंड्स मस्ट बी वाचिंग दिस. दे स्क्रीनशॉट्स एंड सेंड मी. सो व्हाट हैपेंस? सो या या रामायण इज गुड टू वॉच. रामायण महाभारत देखा हुआ योर है. फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर अरिजीत. अरिजीत.
ओके, इफ गिवन एन ऑप्शन ऑफ अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड डेटा, विच ऑप्शन विल यू पिक ड्यूरिंग लॉकडाउन? अनलिमिटेड फूड, और अनलिमिटेड डेटा? अनलिमिटेड डेटा ऑफ कोर्स, नो अनलिमिटेड फूड, शील गो फॉर अनलिमिटेड फूड, ओके चलो, उनको वो दे बट देंगे, दोनों आपके घर में आ गया। करना ही है ना। नहीं, बोला नहीं ऐसे। ये अरे तो बोलो तो है ना, एटलीस्ट हाई तो मन सके ना। ओके, बैक स्टेज आर्टिस्ट, आदित्य वरदान है एंड ये कह रहे हैं हाय मैम, 3 मई को इनका बर्थडे, सो कैन यू हाय विश हैप्पी बर्थडे आदित्य वरदान। आदित्य, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और 3rd को एंजॉय कीजिए और फैमिली के साथ, बस बाहर मत जाइए। क्वारंटीन बर्थडे है, ये सालों में एक ही बार आता है, बहुत सालों में एक ही बार आता है जिसमें आप सिर्फ घर पे मना सकते हो, तो घर पे मनाइए एंड राइट, स्टे ब्लेस्ड। या सम एक्टिविटीज हैपनिंग बिहाइंड यू, या आई नो, आई कैन सी दैट। या सो टॉप 5 मोस्टली यूज्ड एप्लीकेशन ऑन योर फोन राइट नाउ। टॉप 5 एप्लीकेशंस, ओके, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तो दोनों हिट लिस्ट में है, एंड आई यूज ट्रू कॉलर, आई यूज और क्या यूज करती हूँ, हाँ गूगल, गूगल तो सबसे जरूरी है, गूगल के बिना कुछ नहीं, पता नहीं हिलता है, एंड आई यूज दिस थिंग जस्ट डायल, हो ओके गए 5, या नहीं 5 नहीं हुए, 4 हुए ना, और कौन बहुत, सा यूज करती हूँ, इंस्टाग्राम, पिक्सआर्ट, एंड आई, हाँ आई यूज पिक्सआर्ट ऑल्सो टू डू माई ओके क्रिएटिव वर्क, या आई लव पिक्सआर्ट। ओके। कृति हल्दिया इज रिक्वेस्टिंग प्लीज टेक हर नेम वंस। कृति, कृति, इज इट या के आर आई टी आई, कृति, कृति, या ओके, हाय कृति, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक्स या फॉर सो जॉइनिंग दिस इंस्टा लाइव। या रानिया इज आस्किंग हु विल बी द फर्स्ट पर्सन यू वुड लाइक टू मीट आफ्टर दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर। आई वुड लाइक टू मीट माय बेस्ट फ्रेंड स्वाति। ओके वैसे तो हम लोग इतने मिलते नहीं है बिकॉज शी स्टेज फार ऑफ, बट ऑफ कोर्स आफ्टर द लॉकडाउन हम लोग मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, दिल की बातें शेयर ओके करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों से मिलना चाहूंगी, नॉट ओनली स्वाति, मेनी पीपल आई वुड लव टू मीट, आई वुड लव ओके टू मीट राधिका ऑल्सो, बट शी स्टेज इन दिल्ली, तो पता नहीं हम कब मिलेंगे। दीपांकर इज आस्किंग मैम, आपको क्या लगता है लॉकडाउन कब खत्म होगा? मेरे लगने से कुछ नहीं होने वाला, बट आई होप कि लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाए, बट आई थिंक दैट अपना, हमारा जो ये 2020 है, ये पूरा बहुत टेरिबल जाने वाला है इसी लॉकडाउन की वजह से, एंड दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून, बट लेट्स प्रे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी वी गेट बैक टू नॉर्मलसी। या इफ यू गेट अ चांस टू वर्क विद एनी बॉलीवुड एक्टर हु वुड दैट बी? नजुका इज आस्किंग। इफ आई गेट टू वर्क विद एनी बॉलीवुड एक्टर, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, राइट। नो आई एडोर हिम एज अ पर्सन, या या इफ यू वांट टू स्प्रेड एनी र्यूमर अबाउट योरसेल्फ व्हाट दैट वुड बी? अबाउट माई सेल्फ, मैं ही स्प्रेड करूँ क्या? देयर हाँ आर सो मेनी पीपल टू स्प्रेड रूमर्स, मैं खुद का रूमर क्यों स्प्रेड करूंगी? बट ऑफ कोर्स अगर मुझे चांस मिला तो मैं कुछ अच्छा स्प्रेड करूंगी अपने बारे में। वही वही क्या करना चाहेंगे आप? ऐसे कोई रूमर नहीं है, बट इफ आई एम डूइंग समथिंग, मतलब कोई मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ, उसके बारे में मैं पब्लिसाइज करना चाहूंगी, व्हाटएवर आई या विल डू नेक्स्ट। ओके, समबडी इज कमेंटिंग एंड मैम इज लुकिंग लाइक रवीना टंडन। हु इज दैट, हु इज दैट, किसने हु बोला इज ये? दैट? ये सुन रहे ना कमेंट कर रही है, एंड अतिशेक अच्छा भी कमेंट कर। ओके, सो आई वाज हर, आई मीन ग्रेटेस्ट फैन, जब मैं कॉलेज में थी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, अभी भी बहुत अच्छी लगती है, एंड एज अ पर्सन आल्सो आई लाइक हर अ लॉट, शी डज लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, शी डज लॉट राइट ऑफ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम पीपल
इंडस्ट्री में जो उनसे बहुत क्लोज है, मैं सुनती रहती हूँ. तो फॉर मी इट्स नॉट ओनली जस्ट एक्टर, एक्टर बहुत अच्छे एक्टर हो और बहुत अच्छे इंसान नहीं हो तो आई लाइक मेरे लिए दोनों होना चाहिए. शुड बी अ गुड एक्टर ऑल्सो एंड शुड बी अ गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो. आई एडोर, थैंक यू सो मच. ग्रेट ग्रेट. सो नेक्स्ट वन इज खुशी. एक बार इनका भी नाम ले लीजिए. हाय खुशी, हाउ आर यू? नाइस टू इंटरैक्ट ऑन इंस्टाग्राम लाइव. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सो मेरे पास एक छोटा सा फन सेगमेंट है बिफोर वी रैप अप दिस लाइव सेगमेंट. सो मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं एंड उनको आपको रिवर्स में प्रोनाउंस करना है. क्या करना है? रिवर्स प्रोनाउंस करना है. इंग्लिश वर्ड्स हैं एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, लेट्स ट्राई. लाइक लेट्स स्टार्ट विद श्वेता ओनली. ताश्वे. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स. टिक्स मैथमैटिक्स. इज इट? यू कैन आई डोंट टेक नो. हेल्प फ्रॉम योर डॉटर ऑल्सो. यू कैन टेक हेल्प ओके, फ्रॉम. सांग ना. सो डू आई हैव टू स्पेल इट रिवर्स और प्रोनाउंस इट प्रोनाउंस. रिवर्स? यू हैव टू प्रोनाउंस. डोंट यू डोंट हैव टू स्पेल. टिक, दैट्स व्हाट आई सेड ना. टिक्स मैथमैटिक्स. या स्किटा मैटम. ओके, मतलब पूरा ही वाइस वर्सा. ओ गॉड, दैट इज प्रिटी डिफिकल्ट. ओके ओके, गॉट ओके इट. नेक्स्ट वन लेक्चर. रक्षले. या इरुटकेल करके. जस्ट ओ गॉड, इतना डिफिकल्ट मत दो. साइंस. साइंस. इनसाइ. इनसाइ थोड़ा नहीं. साइंस एक्नेक्स. एंड्स विद एक्नेक्स. लेटर. हाँ ऐसा ही कुछ है. इकनेक्स. यस आई राइट राइट. टोल्ड हर, शी टोल्ड मी. क्रेडिट गोज टू हर. चलिए एक छोटा सा और है मेरे पास. ओके. बस कुछ हिंदी वर्ड्स हैं एंड उनका ऑपोजिट आपको इंग्लिश में बताना है. अच्छा, वर्ड्स आर इन हिंदी एंड उसका ऑपोजिट यू हैव टू टेल इन इंग्लिश. ओके ऑपोजिट बता रहा है वो भी इंग्लिश में. यस. ओके, या फॉर एग्जांपल तो फर्स्ट गरीब. रिच. रिच. या सो वैसा है. ओके, गॉट इट. या भाई साहब. मैम, मैडम. भाई भाई सा भाई का साहब ऑपोजिट. तो बहन जी होगा ना, सो सिस्टर. हाँ सिस्टर. राइट. ओके, अंदर. दिस इज इंटरेस्टिंग. सॉरी. अंदर. ओके, आउटसाइड. आउटसाइड. मीठा. सार. बिटर. बिटर. सार. बिटर और बिटर सार. बिटर बिटर. बिटर. ओके. आजादी. इम्प्रिजनमेंट. या प्रिजन. स्लेवरी. केज्ड. राइट. ओके. लास्ट वन पिताजी. मॉम. बॉस. दैट वाज फॉर यू. सो बिफोर आई रैप अप. फर्स्ट या सो लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक थोड़ा हाइपोथेटिकल है. इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स लेट्स से सो व्हाट विल यू से टू द वर्ल्ड. ओह, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम एबल टू टॉक टू यू. सो आई वुड लाइक टू प्रोपगेट पीस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड इन इन बिटवीन एवरीवन. सो ये जो फाइट्स हो रहे हैं ये सब स्टॉप होने चाहिए. एंड बी काइंड टू एनिमल्स, से नो टू चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड विमेन एम्पावरमेंट. ऑफकोर्स लॉट्स ओके ऑफ मोर थिंग्स लाइक आई वुड लव टू से. 30 सेकेंड्स तो बहुत कम हो जाएंगे. यू कैन. वो तो मैंने बोला ना हाइपोथेटिकल है सो यू कैन एक्सीड आल्सो. यू कैन जस्ट से दैट आई एम योर डॉटर. या शी इज माय डॉटर बट शी इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. शी जस्ट वांट्स टू
stay backstage and say give voiceovers. ये ना at least hi तो बोल. Hi guys. एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है आपके लिए. तेजस लखानी है ये कह रहे हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल श्वेता एंड यू हैव अ वेरी क्यूट एंड लवली स्माइल. थैंक यू सो मच. शी गॉट इट फ्रॉम मी. थैंक्स तेजस. थैंक्स अ लॉट. सो आई होप आपको काफी मजा आया आज फिर से हमारे साथ इंटरेक्ट करके. बहुत मजा आया एंड थैंक यू वंस अगेन विशाल, आपने मेरे साथ ये इंस्टा लाइव किया. आई वॉज रियली वेटिंग फॉर इट एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू ज्वाइन यू ऑन दिस इंस्टा लाइव. एंड इतने सालों के बाद हम फिर से बातचीत किया हम लोगों ने, बहुत ही मजा आया. एंड थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इंस्टा लाइव. इट वॉज टोटल फन एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड विद अस. या थैंक यू सो मच मैम एंड वी विश यू. भूमिका कम एक बार वो बोल रहे हैं लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाने से पहले भूमिका को फ्रेम में लाइए. Okay, just give me 1 minute. Yeah. Pari, yeah, so I called her. She's saying I'm not looking good. No, it's not like that. So come. चलो, मैं विश करता हूँ कि कभी उनसे सेपरेटली एक इंडिविजुअल इंटरव्यू करूँगा मैं आगे. She is very active on Instagram. She is day night fully on Insta. She is Bhumika. Hi Manna. चलो कोई नहीं, we won't force. But it was lovely interacting with you, Shweta ma'am, and it was a nice time. Thank you. Time diya, and we wish lots of success ahead. Stay safe, and hopefully we'll meet you very soon. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Goodbye. Yeah. Bye.